समस्या आती है लेकिन उसका समाधान है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है। अगर पाइप में कचरा भर जाता है तो उसको साफ किया जा सकता है। उसी तरह हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसका हम समाधान ऋषियों मनीषियों तीर्थंकरों ने समय समय पर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की इतनी विधाएं दी है जिसके द्वारा हम 100% नहीं 200% क्योर हो सकते हैं। मैं आपको एक विशेष प्रयोग बताने जा रहा हूं। मोटापा घटाने में जैतून का तेल भी बहुत काम आता है, इसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। ये मेडिकल की दुकान पे मिल जाता है, देखिए ये ऑलिव ऑयल। अब इसका उपयोग कैसे करना है? रात को सोने से पहले 3 से 4 बूंद नाभि में डालना है आप, तो बहुत अच्छा प्रयोग है। इससे न केवल मोटापा दूर होता है बल्कि जॉइंट्स की तकलीफ भी दूर होती है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, इससे बहुत से फायदे हैं। तो ये तेल आप जरूर डाल सकते हैं, सिंपल प्रयोग है देखिए, और ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है। इसके अलावा जिनका पेट साफ नहीं होता है, देखिए मोटापा कम करने के लिए पेट साफ होना भी बहुत जरूरी है। पेट साफ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कब्ज है, तो यह कैस्टर ऑयल जिसको एरंडी का तेल कहते हैं, एरंडी का तेल आपको मेडिकल की दुकान में मिलेगा, कैस्टर ऑयल। पेट साफ होना बहुत जरूरी है, पेट साफ नहीं होने से भी मोटापा बढ़ता है, तो ये आप देख लीजिए। कैस्टर ऑयल आप समझते हैं, मेडिकल की दुकान पे मिलेगा आपको कैस्टर ऑयल। इस तेल की बूंद भी आप 3 से 4 बूंद डालिए, इससे पेट साफ हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूं, पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। जब पेट साफ नहीं होता है, देखिए एक व्यक्ति ने एक विशेषज्ञ से पूछा स्वस्थ कौन, तो विशेषज्ञ ने बताया बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिसे समय पर भूख लगती है, जिसे समय पर नींद आती है, स्वस्थ कौन। आप अपने आप को चेक कर लीजिए, जो मैं 4 बातें बता रहा हूं उस विशेषज्ञ ने कहा। पहला पैरामीटर, स्वस्थता का पहला पैरामीटर, जिसे समय पर भूख लगती है। दूसरा, समय पर नींद आती है। अगर सोते ही 3 से 5 मिनट में आपको नींद आ जाती है तो आप समझ लीजिए आप स्वस्थ है। मोटापा घटाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप आनी चाहिए। केवल करवटे लेने से काम नहीं चलता, जिनको नींद नहीं आती है उनका भी मोटापा बढ़ता है। तीसरा कारण बताया, जिसका समय पर पेट साफ होता है, उठते ही 10 मिनट में पेट साफ हो जाए। चौथा, जो सदैव प्रसन्नचित रहता है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। ये 4 बातें आप नोट कर लीजिए, ये हमारा स्वस्थता का पैरामीटर है। सिंपल आप समझ सकते हैं, अपने आप को चेक कर लीजिए। अब मैं खाने पीने के लिए आपको कुछ प्रयोग बता रहा हूं। पेट साफ होने के लिए मैंने आपको और 2-3 चीजें बता देता हूं जिसको आप नोट करिए। इसके अलावा भी हिमेज पाउडर आता है, हरड़े का पाउडर, हिमेज पाउडर जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हिमेज पाउडर। सोने से पहले ये आपको आयुर्वेद की दुकान पे मिल जाएगा, हिमेज पाउडर। सोने से पहले 3 से 4 ग्राम गर्म गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, सुबह आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। और ये लंबे समय तक भी ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बहुत अच्छा है। पहले आप 5-7 दिन लेके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पेट एकदम क्लियर होने लगा। ये आयुर्वेद के प्रयोग है। अब झबड़ा खोलिए। अब यहाँ पर जो कान के साइड में, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये छोटा कान है, इसके बाजू में ऑटोमेटिक गड्ढा हो जाता है जब हम मुंह खोलते हैं। तो यहां पर आपको आधा मिनट 1 मिनट ऐसे प्रेशर देना है, आधा मिनट 2-3 बार प्रेशर दे दीजिए। वजन घटाने के लिए ये भी अच्छा प्रयोग है। देखिए कान के अंदर छोटा कान ये, उसके बाद जैसे आप मुंह खोलेंगे ना, मुंह खोलिए एक बार, तो यहां पर प्रेशर आएगा, देखिए आप इस तरह। और यहां पर प्रेशर देना है 1 मिनट से 2 मिनट दे सकते हैं, लिप्स के ऊपर, नाक के ठीक नीचे, यहां पर। यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो इससे थोड़ी भूख भी कंट्रोल हो जाती है।
दो। तीसरा पॉइंट मैंने आप कोहनी को बेंड करी, कोहनी बेंड करने पर जो कोहनी का जॉइंट है यहां पर इस अंगुली से प्रेशर दीजिए, प्रेशर। अब क्लॉकवाइज घुमाइए इसको, क्लॉकवाइज, इस तरह क्लॉकवाइज, कम से कम आपको 2 से 3 मिनट घुमाना है क्लॉकवाइज। पहले आप 1 मिनट से स्टार्ट करिए क्योंकि पहले दिन आपसे 3 मिनट नहीं हो पाएगा। यस यस, ये दोनों हाथों से बारी बारी में करना आपको, फिर राइट में भी कर सकते हैं सेम। एक घुमाना क्लॉक वाइज है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है उस तरह घुमाना है। ये देखिए आप प्रेशर दीजिए, इस तरह घुमाइए, ऐसे घुमाइए आप क्लॉक वाइज। ये बहुत अच्छे पॉइंट है,